दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, और आप सभी को पता भी होगा, आप सभी ने देख भी लिया होगा जिन्होंने यहाँ पर जेई का एग्जाम दिया था। दोस्तों जो लोग यहाँ पर सफल हुए हैं दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। दोस्तों जो लोग असफल हुए हैं दोस्तों वो लोग भी लगातार मेहनत करते रहिएगा, आप भी दोस्तों सिलेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके एनटीपीसी एग्जाम के बारे में कि दोस्तों आपका एनटीपीसी एग्जाम कब होने वाला है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि अभी आपका रेलवे में दोस्तों रेलवे ने कहा है अभी हाल ही में कि दोस्तों आपका जेई का एग्जाम है दोस्तों वो यहाँ पर CBD2 है वो दोस्तों यहाँ पर कराने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने कहा है कि हम 28 अगस्त को आपका यहाँ पर आपका जेई CBD2 दोस्तों एग्जाम लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर CBT1 क्वालिफाई किया है जेई का दोस्तों उनके लिए बहुत ही कम समय है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका एनटीपीसी एग्जाम कब होने वाला है। दोस्तों आपका एनटीपीसी एग्जाम अभी नहीं होगा, मैंने बताया है दोस्तों पहले ही वीडियो बना के बताया था कि आपका दोस्तों एग्जाम है वो अभी लगभग दोस्तों 1 से 1.5 महीने लगभग आपका एग्जाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए अभी लगभग आपको मैं मानूँ तो आपके पास 45 दिन से दोस्तों अधिक का समय है दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं एनटीपीसी वाले। ठीक है, अब दोस्तों पहले मैंने बताया ही कि हमारे हिसाब से आपका एनटीपीसी एग्जाम होगा दोस्तों, उसके बाद ही ग्रुप डी एग्जाम होगा। ठीक है आपका, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में कि आपका हाल ही में जेई का कट ऑफ किया गया है। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा दोस्तों ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका तिरुवनंतपुरम दोस्तों आपका जेई का दोस्तों यहाँ पर आपका रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं कि आपका कट ऑफ दोस्तों किस प्रकार से रहा है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही आपका लगभग आपका हर जगह थोड़ा आगे पीछे दोस्तों कट ऑफ गया है, लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए कि इससे दोस्तों आपके लगभग ही इससे ज़्यादा दोस्तों आपका यहाँ पर किसका जेई का दोस्तों जेई से आपका ज़्यादा कट ऑफ आपका एनटीपीसी का जाने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों आपका यहाँ पर जो जेई दोस्तों एग्जाम है इसमें बहुत से लोग दोस्तों आवेदन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों वही लोग आवेदन कर पाए हैं जिनके पास इस फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक योग्यता थी। ठीक है, आपके पास दोस्तों पता है कि एनटीपीसी में दोस्तों सभी लोग फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे वो दोस्तों इंजीनियर हों, चाहे वो ग्रेजुएट दोस्तों हों, आर्ट्स से हों, साइंस से हों या फिर कॉमर्स से हों। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका ऐसा जेई में नहीं था, तो दोस्तों यहाँ पर जेई का दोस्तों जो कट ऑफ गया है दोस्तों उससे ज़्यादा कट ऑफ आपका जाएगा इस बार आपका एनटीपीसी का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें बहुत से लोग आवेदन किए हैं। ठीक है दोस्तों, जेई में बहुत से कम लोग आवेदन किए थे। देखिए ये दोस्तों आपका यहाँ पर मार्क्स है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा ये मार्क्स है, ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है आपका वेरियस पोस्ट वेरियस कैटेगरी के लिए। दोस्तों आपका पता है जैसे कि आपको UR जनरल वाले हैं हमारे, SC वाले हैं हमारे, ST वाले हैं, OBC वाले हैं दोस्तों, ESM वाले हैं, और यहाँ पर आपका जो विकलांग वाले हैं दोस्तों इनका अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी दोस्तों यहाँ पर जनरल वालों की। दोस्तों यहाँ पर आप जनरल वाले देख पा रहे होंगे लगभग दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ आपका गया है आपका तिरुवनंतपुरम का, यहाँ पर आपका 76 गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 76 है, यहाँ पर भी 76 है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 76 से ज़्यादा आपका कट ऑफ जाएगा यहाँ पर जनरल वालों का, यहाँ पर किसका एनटीपीसी का, ये मान के चलिए। अब दोस्तों ये बहुत से लोग बनाए बहुत से दोस्तों वो लोग इस वीडियो को डिस्कस लाइक करेंगे या फिर यहाँ पर कमेंट गलत कमेंट करेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं कोई आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद यह था कि आपको थोड़ा जानकारी हो जाए कि हमें इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए हैं। ठीक है, मतलब कि आप जनरल से दोस्तों हैं और NTPC दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और दोस्तों आपके 75 मार्क्स नहीं आ रहे हैं अभी, तो आपके लिए नुकसान है। ठीक है, आपको 75 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर SC वालों की। देखिए दोस्तों आपका SC का जो कट ऑफ गया है वो आपका तिरुवनंतपुरम का हाईएस्ट कट ऑफ आपका SC वालों का 58 गया है। ठीक है दोस्तों, ST वालों का आपका कट ऑफ कितना गया है, हाईएस्ट आपका यहाँ पर 51 गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आपके OBC वालों की। दोस्तों OBC का आपको कट ऑफ गया है तिरुवनंतपुरम का आपका आपका 70 गया है लगभग दोस्तों, यहाँ पर 70-71 गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका कट ऑफ दोस्तों CBT1 का इससे अधिक जाएगा आपका किसका NTPC का, ये मान के चलिए। ठीक है, और दोस्तों आपका EBC वाल ESM वालों का यहाँ पर अधिकतम गया है आपका 49 दोस्तों, यहाँ पर विकलांग और दिव्यांग लोगों का बहुत ही कम यहाँ पर कट ऑफ जाएगा दोस्तों, और आपका यहाँ 32 गया है। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलिए कि आपका NTPC का दोस्तों कट ऑफ है वो जनरल वाले दोस्तों यहाँ 75+ मान के चलिए, और दोस्तों यहाँ पर जो OBC हैं वो 70+ मान के चलिए, और दोस्तों आपका SC ST वाले हैं दोस्तों ये आपके लगभग आपका 65+ मान के चलिए दोस्तों NTPC का कट ऑफ ये आपका CBT बनकर रहेगा। दोस्तों मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, इससे अधिक ही आपका कट ऑफ रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। जो दोस्तों आपको इससे कम बताता है दोस्तों वो आपको पागल बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके दोस्तों नंबर इतने नहीं आ रहे हैं तो आप अपने पास अपना समय है अभी बहुत सा,
उसको दोस्तों आप अच्छे से यूज कीजिए समय को, और आपकी तैयारी दोस्तों आप लोग अच्छी कीजिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पर अधिकतम नंबर ला के दोस्तों एक अपनी नौकरी ले सकें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।